मेरे चैनल पे आज हम बनाना सीखेंगे, घी बनाना सीखेंगे आज। तो बताती हूँ मैं, मलाई कैसे निकाल के रखते हैं, कितने दिन के लिए रखते हैं। देखिए दूध है, दूध पे से मैंने मलाई आज 1 दिन की मलाई मैंने इतनी निकाल ली है, और ये 4-5 दिन की मलाई है, ये मैंने न, 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 बड़े डिब्बे में भर के रखी है। तो अब इसको हम मिक्सी में लगा लेंगे। देखिए थोड़ी थोड़ी मलाई लीजिए, एक ही बार में मत लगाइए, नहीं तो बनेगी नहीं वो। 2-3 बार लगा लीजिए मिक्सर में। देखिए इतनी डाल दी है मैंने, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए, थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए और इसको मिक्सी में लगा लीजिए। तो एक बार इसको निकाल के देख लीजिए। देखिए इसमें थोड़ा पानी कम हो गया है और थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। तो अब इसको देखिए मैंने मिक्सी में पीस लिया है। तो अब एक बर्तन में, स्टील का बर्तन लीजिए बड़ा सा, तो उसमें डाल दीजिए। अब बाकी की मलाई भी हम लगा लेंगे ऐसे ही। तो देखिए बन के तैयार है। अब इसको 2-3 पानी से धो लीजिए, अच्छे से धो लीजिए। तो अच्छे से इसको ऐसे मल मल के धोजिए धोइए, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा दूध रहता है तो निकल जाता है, नहीं तो बदबू आने लगती है। देखिए धो के हो गया है, अब इसको गैस पे रखेंगे हम। तो इसको हम घी बनने के लिए रख दिए। देखिए गैस पे ये अच्छे से, गैस से आप दूर मत जाइए, क्योंकि ये पकने तक, गैस घी बनने तक आप यहीं पे रहिए गैस के पास ही, नहीं तो घी जल जाएगा और उबल जाएगा। देखिए अब ये पक रहे हैं तो ऐसे ऊपर आने लगता है, तो आप ध्यान रखिएगा, आप यहीं पे रहिए, नहीं तो ये जल जाएगा, नहीं तो नीचे गिर जाएगा। देखिए घी बन के तैयार है। अब इसमें अब 1-2 बूंद पानी की डाल दीजिए। देखिए ऐसे साउंड आने से घी बन गया करके समझ लीजिए। अब गैस बंद कर दीजिए। देखिए ऐसे स्टील का डब्बा ले लीजिए, फिर एक इलायची ले लीजिए, इलायची को थोड़ा सा खोल दीजिए, उसको ऐसे घी के डिब्बे में पहले डाल दीजिए। तो देखिए अब इसमें इलायची डाला है हमने, उसमें अब अच्छे से छान लीजिए। तो देखिए घी बन के तैयार है। अब आपको पसंद आया तो आप भी देखिए, मैं ये भैंस का दूध लेती हूँ, पैकेट का नहीं दूध लेती हूँ। ये भैंस के दूध से मैंने बनाया मलाई निकाल के, अच्छे से 4-5 दिन की मलाई मैंने जमा के बनाया है। देखिए आपको पसंद आया तो आप भी बनाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए। थैंक यू।